तो अब हम जो ये हो गया हमारा बैंड टी शर्ट। ओके, तो ये जो था वो था X3 पे हम लोग पहुंचे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 पे। अब हम किसके बात किसके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों, बताओ? अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? x x-5। यस, तो अब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें तो हम एक ही याद रख सकते हैं, सिर्फ फ्लोरीन नहीं जुड़ेगा, बाकी की साइज तो बहुत बड़ी होती है। फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जुड़ सकता है। तो अब क्या होता है, फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ भी जुड़ेगा, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी जुड़ेगा, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी जुड़ेगा। तब यहाँ पे बनता है, देखो अब ऐसे बनेगा IF5। नहीं, पहले यहां से करते हैं ना CLF5। CLF5 तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। CLF5, BRF5 एंड IF5, सबके साथ एक एक बार F को जोड़ दिया। CLF5 की बात करें तो कलरलेस लिक्विड है ये, कलरलेस लिक्विड। इसकी बात करें BRF5 तो कलरलेस लिक्विड, ये भी कलरलेस लिक्विड है। तो ये भी कलरलेस गैस है, बट सॉलिड एट बिलो 77 क्या लेना, वो तो यार हर कोई बात है, इतना कम टेम्परेचर है हर कोई सॉलिड हो जाएगा। IF5 भी गैसियस फॉर्म में है। चलो कोई बताएगा इसका शेप कैसा होता होगा, अगर CLF5 है तो कोई बताएगा इसका शेप कैसे होता होगा? देखो यहाँ पे फिर ये नहीं होता है, आपको कभी भी BrCl5 नहीं मिलता बच्चों, याद रखना, क्योंकि ब्रोमीन एक साथ 5 Cl के साथ नहीं जुड़ सकता, स्टेबल नहीं है वो। चलो अगर हम बात करें तो IF5 की बात करें, चलो व्हाट विल बी द शेप, तो क्या रट्टा मारने बैठोगे क्या? चलो IF5 इसका मतलब क्या हुआ, आई के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, आई के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 5 फ्लोरीन है। और ये क्या है, कितनी टोटल टोटल कितनी ऑर्बिटल चाहिए आपको? ये होगा AB5E, आपको टोटल चाहिए 6 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और जैसे ही वो अरेंज होंगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल में अरेंज होते हैं, लेकिन जब शेप की बात करें तब याद रखो ये वाला स्क्वायर पिरामिड है। यस। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया। बढ़िया ना बच्चों, ये समझ में आ गई ना पूरी बात, इसमें कोई डाउट है बच्चों? नो सर। सर एक डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, जो X3 वाला जो था ना, हाँ X3 हाँ हाँ सर, उसमें BrCl3 भी शायद फॉर्म हो सकता है ना, क्योंकि CLF3 फॉर्म हुआ था, तो BrCl3 भी फॉर्म हो सकता है ना। एक एक बात बता, एक बात बता, सुन 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 सुन, एक काम करता हूँ मैं लास्ट वाला खत्म कर लेता हूँ। IF7 है, सिर्फ एक बच्चा है बच्चे, IF7 ओके वो ओके खत्म कर लेता, फिर मैं उस पे आता हूँ। IF7, अब ये तो पता ही है, पेंटागोनल बाई पिरामिड एज वी हैव सीन कलरलेस गैस। क्यों, आई के पास 7 है तो 7 ऑर्बिटल चाहिए, 7 ऑर्बिटल चाहिए। एक बात याद रखना, 7 ऑर्बिटल है और सभी की सभी कैसी है पता है आपको? sp3d3 आएगा और सभी के अंदर बॉन्ड पेयर ही है, याद आया कुछ? 11th में भी पेंटागोनल मैंने करवाया था ये, बहुत बढ़िया सा। बाई पिरामिडल। हाँ पेंटागोनल, लेकिन इसमें एक खासियत ये याद रखनी है,
लेकिन अगर यही शेप है, यही हाइब्रिडाइजेशन है, और एक भी अगर लॉन पेयर आता है, अगर कहीं पे भी एक लॉन पेयर आता है, तब ही इसकी जियोमेट्री चेंज हो जाती है, फिर हम इसको पेंटागोनल बाइपिरामिड नहीं बोलते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं लाइक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आई कैन से डिस्टोर्टेड मतलब जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। याद रखना ये बात कि अगर यहाँ पे एक लॉन पेयर रख दिया तब क्या होगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन अभी क्या आएगा, पेंटागोनल बायपिरामिड। इनका कोई अगर इसका एंगल पूछ दे, को आप मुझे बता पाओगे कितना होता होगा? 70 आसपास। 70 आसपास, पक्का? 360/5 करो 72 ना, समथिंग। 360/5 ही तो करना पड़ेगा ना। 72 हाँ, तो 7। लेकिन वो कैसे है, तो आपको पेंटागोनल में याद होना चाहिए 360/5 करना होता है, तो 72 विल बी द आंसर। आई बात समझ में आपको? ओके, यस सर। अब मैं एक आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे स्टेबल कौन ज्यादा होता है, हुज स्टेबिलिटी इज ग्रेटर? एक्सियल। देखो, एक्स एक्स बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर। याद रखना एक बात, ये बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग किससे, कंपेयर टू एक्स एक्स डैश, जो बॉन्ड होता है ना उसे कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिख देना, फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कोई बताएगा ऐसा क्यों? फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाँ, यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्शन होते हैं, साइज छोटी है, नजदीक है, और रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बाकी हर जगह इंटर हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल एक्स टू होता है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुए? एक्स एक्स डैश। यस, एक्स डैश इज अ मोर रिएक्टिव। आई बात समझ में आपको? अब सुनो, अगर हम इसका क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग, हमारे पास तीन चीज है, एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश 3 है, एक्स एक्स डैश 5 है, और एक्स एक्स डैश 6 है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर H2O डालते हो, अब सुनो सुनो, HX है, आप कोई भी ले लो, एक काम करता हूँ मैं Cl और Br ले लेता हूँ, Cl और Br है, समझ रहे हो बच्चे बात? हो गया ये Cl Br, इसमें मैं H2O डालता हूँ, HOH। तब आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताना कि ये Cl माइनस होगा और Br प्लस होगा? Yes. तो ये माइनस है और ये प्लस है। जो छोटा वाला होता है, जो छोटा वाला होता है ना एक्स डैश, उस एक्स डैश के साथ हर बार एच एक्स जुड़ता है, एच सी एल, मैं बोल सकता हूँ एच एक्स रहेगा। और जो बड़ा वाला हो, सॉरी डैश, और जो बड़ा वाला होता है एक्स, जो बड़ा वाला होता है ये एक्स डैश है और एक्स है, जो बड़ा वाला होता है वो किसके साथ जुड़ेगा, ओ एच के साथ, यहाँ पे बी आर ओ एच हो जाएगा, एच ओ बी आर भी लिख सकते हो, समझे आप बात? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच ओ एक्स डैश। अब थोड़ा सा समझो कि ये भी आप रट्टा मारने बैठोगे सर, एच ओ एक्स, हाँ एच ओ एक्स, सॉरी एच ओ एक्स, जो छोटा वाला है वो, फिर से एक बार समझाता हूँ, अब बड़ा, सुनो बड़ा। जो भी है मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे एक्स एक्स डैश, आप सोचो ये लार्जर इन साइज होगा और ये स्मॉलर इन साइज होगा, तो ये होगा आपका लार्ज है तो प्लस वन होगा और ये माइनस वन होगा। अब आप इसके अंदर कौन डाल रहे हो, एच प्लस ओ एच माइनस, अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, एच एक्स डैश बनेगा ना और एच ओ एक्स बनेगा, आई बात समझ में? यस सर। तो अगर आप एक्स, ओके, और बहुत मस्त अभी भी समझना है, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। अगर एक्स एक्स डैश है, अगर उसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है एच ओ एक्स, लेकिन जब मैं एक्स एक्स डैश 3 है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊ तब मुझे क्या मिलेगा बताओ, एच एक्स ओ टू।
हाइपो हैलाइट हैलाइट आयन, इसको हैलाइट आयन बोलते हैं। इसको कौन सा आयन बोलते हैं बच्चों? हाइपो हैलाइट आयन। हैलस, हाइपो हैलस होता है ना उसका आयन, ठीक है। फिर सोचो आप एक्स एक्स डैश फाइव है और प्लस एच टू डालते हो, एच एक्स ओ थ्री मिलेगा, और एक्स एक्स डैश सेवन है और आप इसमें एच टू डालते हो तो एच एक्स ओ फोर मिलेगा। अब समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? तो थोड़ा ये साइड में नोट डाउन कर लेना ये चीज कि भाई किसके इसे किससे इससे हमें क्या मिल सकता है। दैट्स ऑल। ओके आगे बढ़ू थोड़ा अभी। तो इसके यूजेस कहां पे होते हैं? अगर ये इनर हैलोजन्स है तो इसके यूजेस कहां पे होते हैं? देखो इंटर हैलोजन के यूजेस, मैं अगर आपको बता दूं तो सबसे पहला यूज एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट इसका यूज होता है। दूसरी बात करो तो यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, इसका मतलब ये होता है यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, इसका मतलब ये होता है अगर कहीं पे आपको फ्लोरिन चाहिए तब आप इसका यूज कर सकते हो। अगर कई जगह पे आपको क्या चाहिए बच्चों? फ्लोरिन चाहिए तब आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि यूरेनियम है, यूरेनियम मुझे उसको कन्वर्ट करना है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, नाउ आई जस्ट वांट रिक्वायर्ड फ्लोरीन, नाउ आई जस्ट वांट रिक्वायर्ड फ्लोरीन, तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूरेनियम की रिएक्शन करवाऊंगा CLF3 के साथ। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? UF6 प्लस 3CLF गैस, U plus 3ClF3, UF6 plus 3ClF gas. Now is it clear? तो मतलब यहाँ पे अगर आपको फ्लोरीन डालना था यूरेनियम ने तब आपने किसका यूज किया? CLF3 का। Is it clear? Yes, sir. और एक बात मैं बता दूं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करो, जब यूरेनियम 235 है और 238 था, उन दोनों को सेपरेट करना था, तब हम क्या करते थे? उनको पहले कन्वर्ट करते थे UF6 में, फिर इनको किलोमीटर लंबी लाइन में पास करते थे, तो अपने मास के हिसाब से दोनों आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम 235 आगे निकल जाएगा, यूरेनियम 238 पीछे रह जाएगा, तो हम पीछे से यूरेनियम 238 को कलेक्ट कर सकते थे। याद आई? 10AC में ऐसा था। मतलब अगर यूरेनियम के आइसोमर्स आइसोटॉप्स को आपको सेपरेट करने हैं, एट दैट टाइम यू कैन कन्वर्ट योर यूरेनियम इंटू UF6। ओके चलो अब बताओ, चलो ओके एक लास्ट है इन टेक्स्ट में, आप देखो 7.31 है। ओके सबको बनाया गया जैसा, आप प्रोडक्शन भी देख लेंगे इसका, लेकिन लास्ट वाला एक पॉइंट देखो कि यूरेनियम है प्लस सीएल, वो तो हो गया। लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज का इन टेक्स्ट 7.31, इन टेक्स्ट 7.31 जस्ट गिव रीजन ICL is a more reactive
देन आई टू, आई टू से आईसीएल ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों बताओ? तो आईसीएल इज अ वीकर देन आई आई, आई आई से आईसीएल क्या होता है बच्चों? वीकर होता है। आई बात समझ में? इसीलिए और एक बात है तो सी एल एफ इज लेस रिएक्टिव, ऐसा भी आ सकता है देन एफ टू। तब आपको बता देना है कि एफ एफ इज द लेस, मतलब एफ एफ जो इजीली ब्रेकडाउन हो सकता है कंपेयर टू सी एल एफ। अब आप समझ सकते हो ना, कैसे भी घुमा फिरा के एक्सेप्शन से भी निकाल सकते हैं। मैं पूरा उल्टा कर दूं तो आप उल्टा लिख दोगे, समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। तो ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप 17 था जो हमने अब तक पूरा पढ़ा। अभी ग्रुप 18 है, तो उसमें भी मैं नहीं चाहता कल एक या दो दिन लगेंगे इसमें, मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ ऑमिट करें हम लोग। आपको जो है वो 7 पॉइंट कितने किए थे आपने एक्सरसाइज में? 7 पॉइंट 20 तक करने के लिए बोले थे पहले, 15 तक। चलो 7.13 तक आपको करने हैं। यू विल हैव टू डू होमवर्क टिल 7.30। मुझे याद करवाना कहना, आज मैं एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा पूरी की पूरी, तो कल एक बार ऊपर से हम लोग फटाफट से उसको देख सकते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके चलो अभी